to my channel. My name is Kriti and my channel name is K Beauty Diaries. अगर आप first time आए हैं इस channel पे तो welcome and अगर पुराने हैं तो welcome back. Okay, so आज की video में मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ new products. मैंने ये buy किए हैं from Flipkart. So हम करेंगे इस video में एक first impression. तो देखते हैं product कैसे work करते हैं. So ओके सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द प्राइमर. सो मैंने लिया है ये बेनिफिट का पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर एंड कुछ ऐसी पैकेजिंग में आया है. आई थिंक ये इसका ड्यूप है बिकॉज ये अराउंड मुझे 400 समथिंग में पड़ गया था एंड आई थिंक इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है. अराउंड मतलब 1000 से अबव ही है एंड इसमें टिंट टिंटेड प्रोडक्ट है. तो लेट्स सी ये कैसे वर्क करता है बिकॉज फॉर श्योर ये ड्यूप ही है. एस फ्लिपकार्ट पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट आपको ओरिजिनल के ड्यूप मिल जाएंगे. सो एक टिंटेड लुक आ गया है, थोड़ा सा स्टिकी सा है एंड आई थिंक एज अ प्राइमर वर्क करेगा बिकॉज प्राइमर्स थोड़े से स्टिकी आते हैं एंड आई थिंक ये जो ओरिजिनल इसका जो प्राइमर है वो थोड़ा सा सिलिकॉन बेस है एंड ये थोड़ा टिंटेड है. सो मैं आपको इसका हैंड स्वॉच दिखाती हूँ. थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना उसे हाइड्रेटिंग है एंड एज यू कैन सी काफ़ी अच्छा ग्लो भी देता है. थोड़ा सा और मुझे अप्लाई करना चाहिए या आप एज अ बीबी क्रीम यूज कर सकते हैं. तो अभी तक तो काफी अच्छा लग रहा है ये. ओके सो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ. सो इसके लिए मेरे पास दिस स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस एंड ये द शेड है N02 गोल्डन टिंट. तो इसके अंदर गोल्डन सी टिंट है. ये एक प्राइमर है प्लस एक बेस की तरह वर्क करता है एंड हाइड्रेटिंग भी है एज मैंने इसको एक बार वॉच करके देखा था एंड काफ़ी अच्छे यूट्यूबर्स से मैंने इसके रिव्यू भी सुने. सो अगर आप कॉलेज गोइंग हो, बिगनर हो, तो आप इसे अप्लाई करके डायरेक्टली इसी को अप्लाई करके कहीं भी बाहर जा सकते हैं. देखिए कितना अच्छा ग्लो आता है इससे. थोड़ा सा आपको अगर आप इन पर्सन देखा जाए हल्का सा चाहिए, हल्का सा एंड वो भी आई थिंक सेटल हो जाता है. बहुत ही प्यारा ग्लो देता है एंड इसकी MRP भी काफ़ी कम है, अराउंड 349 एंड मुझे तो और डिस्काउंट मिल गया था. सो हाईली रिकमेंड करती हूँ गाइस, अगर आप बिगनर्स हैं, कॉलेज गोइंग हैं, सो यू कैन यूज़ दिस एज अ बेस. आप कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम में भी उसे मिक्स करके या फाउंडेशन बीबी क्रीम में मिक्स करके भी लगा सकते हैं. सो उससे आपको कवरेज भी मिल जाएगा या नेचुरल से जो ग्लो आपको दिख रहा है बहुत ही प्यारा है वो भी मिल जाएगा. अब बढ़ते हैं बेस की तरफ. सो अभी हाल ही मैंने एक प्रोडक्ट आपके साथ रिव्यू किया था NY बेस. सो मैं इसे एक और ट्राई देना चाहती हूँ बिकॉज उस वीडियो में आपने देखी हो तो थोड़ा सा केकी सा फॉर्मूला है बट इतना अच्छा हाइड्रेशन के बाद मुझे देखना है कि क्रीम प्रोडक्ट कैसे वर्क करता है. सो लेट्स गिव इट अ ट्राई. पहले मैं हाथ से अप्लाई करूंगी. मुझे इसका कवरेज ब्रश से काफी अच्छा लगा था.
थोड़ा सा वाइट स्कार्स होता है, सो आई थिंक मुझे इसको एक और शेड में ट्राई करना चाहिए मेरी शेड के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा लेयर अप और कर लूँगी। सो इसकी कवरेज शेयर टू मीडियम है। एक्चुअली शेयर सी नेचुरल सी कवरेज है एंड इसको थोड़ा सा भी अगर आप ज़्यादा लगाएंगे तो ये थोड़ा सा केकी दिख सकता है, इसलिए धीरे धीरे बिल्ड करना। एंड कंसीलर के अगर आप कलर करेक्ट लगा के अप्लाई करते हैं तो आप देखिएगा इसका कवरेज। सो मैं सेट कर लेती हूँ एंड उसके लिए मेरे पास और कोई प्रोडक्ट नहीं है, सो मैं अपना यूजुअल मी कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ। मैं अपने पूरे फेस को सेट नहीं करूँ, जस्ट जहाँ मैंने कंसील अप्लाई किया बिकॉज आई वॉन्ट दैट ग्लो। बेस एंड अब मेरे पास है फेस का एक और पैलेट, तो ये है स्विस ब्यूटी का कंटूर ब्लश एंड हाइलाइटिंग पैलेट। सो यहाँ पे आपको चार ब्लशेस मिल जाते हैं, दो कंटूर शेड मिल जाते हैं एंड दो हाइलाइट। सो सबसे पहले मैं लगाऊंगी कंटूर, मैं ये डार्क शेड ले रही हूँ बिकॉज आई थिंक ये वार्म टोन मेरी स्किन को ज़्यादा सूट करेगा। इसमें एक वार्म टोन है और एक कूल टोन है, तो ये काफ़ी अफोर्डेबल पैलेट है एंड यू कैन सी पिगमेंटेशन के अकॉर्डिंग भी बहुत ही अच्छा है एज इसका प्राइस रेंज अराउंड ये इन द शेड 02 एंड प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे दे दूँगी, काफ़ी अफोर्डेबल है। बिगनर्स हैं, कॉलेज गोइंग हैं, आपके लिए बेस्ट थिंग है कि आपको एक ही पैलेट में काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सो पैलेट पे इन्वेस्ट करना बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। ओके थोड़ा सा भी ज़्यादा एक्सेस हो जाए तो आप ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लीजिए। ओके सो बेस इज डन, अब करते हैं ब्लश अप्लाई। सो अगर आपका फेस राउंड है तो यहाँ से अप्लाई मत कीजिएगा अपनी चीक्स पे, बिकॉज उससे और भी बहुत गोल सा फेस लगता है। सो जस्ट अप्लाई हियर चीक बोन पे एंड मैं ये दोनों शेड मिक्स कर रही हूँ। बहुत हो गए पाउडर प्रोडक्ट्स, मैं सेट कर लेती हूँ यूजिंग दिस शुगर। सो फॉर हाइलाइटर आई एम यूजिंग, आज मैं एक छोटा ब्रश यूज कर रही हूँ एंड रोज गोल्ड सा शेड। बहुत ही सटल हाइलाइटर है, बिल्कुल भी चंकी नहीं लग रहा। सो गाइस फेस इज डन एंड सो फार मुझे बहुत ही अच्छा फेस लग रहा है, ऑल द प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छा वर्क किया है गाइस। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं आईज की तरफ। सो आईज के लिए है मेरे पास तीन पैलेट, तो ये हैं हुडा ब्यूटी के ड्यूब्स,
सो मैंने इसका रिव्यू देखा था एंड काफ़ी लोगों को काफ़ी पसंद आया एज इसके पिगमेंटेशन वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं. सो मेरे पास है ये मिंट, ये लैलिक एंड ये रोज. सो विल ट्राई रोज टुडे. सो ये है इसके शेड्स, काफ़ी सिमिलर है ह्यूडा ब्यूटी के पैलेट से, मिलते जुलते कलर्स हैं, सेम कलर स्कीम है. ओके तो मैं आपको पहले स्वॉच दिखा देती हूँ इसका, बहुत ही पिगमेंटेड है. एंड आई थिंक ब्लेंड भी काफ़ी अच्छे से हो जाता है. नाइस. ओके सो मैं आपको थोड़ा मैट शेड भी दिखाती हूँ, ये भी काफ़ी अच्छे हैं, थोड़े से पाउडरी हैं. पर्पल तो इसमें से नहीं आ रहा, ब्रॉन्ज सा कलर. ओके सो स्टार्ट करते हैं विथ ब्लेंडिंग ब्रश. ओके स्टार्ट करते हैं विथ दिस लाइट पिंक शेड, काफी फॉलो कर. सो पिगमेंटेशन थोड़ी सी डिसेंट है. इसमें मैट शेड इतने पिगमेंटेड नहीं है कंपेयरिंग टू शिमर शेड्स. ओके सो सिंपल आई करेंगे हम, उसके लिए मैं एक ये शिमर शेड ले रही हूँ एंड डायरेक्टली फिंगर्स की हेल्प से अपनी हाफ लिड पे अप्लाई करूँगी. नाइस. ये शेड्स भी थोड़े से पाउडरी हैं एंड आई थिंक एक ब्रश को थोड़ा सा वेट करके अप्लाई करते हैं. लाइट पिंक सा शेड. छोटे ब्रश के हेल्प से आई एम यूजिंग दिस ब्राउन शेड थोड़ी सी डेप्थ देने के लिए बिकॉज वो पर्पल शेड काफी ये ब्राउन देख रहे हैं बहुत ही पाउडरी. सेम शेप को मैं अपनी लोअर लेश लाइन पर अप्लाई कर दूंगी. एंड आई एम यूजिंग दिस येलो शेड एंड ग्लिटर शेड लेकर शेड को मैं ब्राउन पे भी अप्लाई कर लेती हूँ. और ये पैलेट भी काफ़ी प्यारा है, बस इसकी जो मैट की पिगमेंटेशन है वो काफ़ी कम है. शिमर्स शीट्स आर वेरी गुड. सो मैं लगा लेती हूँ लाइनर मस्कारा एंड लैशेज.
ओके सो लैशेज आर ऑन एंड मैं बोल रही थी कि मेरे पास एक और प्रोडक्ट है. दिस इज टू फेस्ड का बरदन सिक्स मस्कारा एंड बहुत ही लग्जूरियस इसकी पैकेजिंग है, रोज गोल्ड एंड काफ़ी हैवी फील करता है. इसका बॉन्ड भी काफ़ी अच्छा है. सी अभी तो लैशेस मैंने अप्लाई कर लिए, सो मैं आपको ऊपर लेंथ कैसे दे रहा नहीं बता सकती. बट यू कैन सी हियर, सेज इट इज वाटरप्रूफ एंड लॉन्ग लास्टिंग. सो टू फेस के काफी सारे प्रोडक्ट्स काफी अच्छे हैं. सेपरेट भी कर रहा है, काफी अच्छी लेंथ भी दी. सो ये है NYBae का लिक्विड आईलाइनर एंड मैंने इसे मंगवाया है इन द शेड ग्रीन. तो मैं आपको स्वॉच दिखाती हूँ. बहुत ही सटल सा ग्लॉसी कलर है एंड इसमें आपको काफी सारे शेड्स मिल जाएंगे. बहुत ही प्यारा ग्लॉसी सा लाइनर है एंड बहुत ही बजट फ्रेंडली है. ये आपको अराउंड 100 के अंदर अंदर मिल जाएगा. लुक ही चेंज हो गया, काफ़ी प्यारा लग रहा है. सो ये है NYBae का लाइनर. अगर आपको लेना है तो सारे प्रोडक्ट के लिंक आपको मिल जाएंगे. एंड कैसा लग रहा है? मुझे तो काफ़ी अच्छा टर्न आउट हुआ है. मुझे लगा नहीं था कि सारे प्रोडक्ट्स ऐसे वर्क करेंगे. सो जो ये ग्लो आप देख रहे हैं, एक विद इन सा ग्लो एंड एक जो पाउडर ग्लो हमने लगाया है हाईलाइटर, दोनों का इफेक्ट बहुत ही अच्छा है. ओके सो बढ़ते हैं लास्ट प्रोडक्ट, नो सेकंड लास्ट प्रोडक्ट की तरफ. सो आई हैव दिस लिप किट फ्रॉम टू फेस्ड क्रिसमस लिक्विड लिपस्टिक सेट. सो इसमें 4 शेड्स है एंड 3 इसमें न्यूड शेड्स है. थोड़ा सा पिंक, ब्राउन एंड प्रॉपर न्यूड है एंड एक रेड है. So, मैं आपको हैंड स्वॉचेस जल्दी से दिखा देती हूँ. सो ये है, इसका कोई नाम नहीं है. सो ये ब्राउन टोन शेड है. एंड स्मेल्स लाइक चॉकलेट, लाइक चॉकलेट आप देख लाइक. फर्स्ट है ये शेड. सो नेक्स्ट है ये थोड़ा सा लाइट शेड है, प्रॉपर न्यूड शेड है. या दिस प्रॉपर न्यूड शेड एंड बहुत ही लाइट वेट है. लिप्स का लिप्स और ये थोड़ा सा पिंक टोन है. ये है पिंक, ये है न्यूड एंड ये है ब्राउन. सो थ्री तो ये शेड एंड वी हैव वन रेड, प्योर टमाटो, प्योर टमेटो रेड लग रहा है. सो व्हाट यू थिंक इसके साथ?
ब्राइट शेड है, कैमरे में बहुत ज़्यादा लग रहा है, इन पर्सन बहुत लाइट वेट है, दिस इज प्रॉपर न्यू चेन, नेक्स्ट मैं प्लान करूंगी दिस पिंकी मॉव शेड. So guys, ये है lip swatches. So last में अपने makeup को set कर लेती हूँ. So guys, कैसा लगा आपको आज का ये first impression? मुझे तो काफी अच्छा लगा, बहुत अच्छे से turn out हुआ है कुछ product. तो काफी अच्छे से work किए हैं. One minute. So मुझे set करने के लिए I have this one room. प्रोडक्ट फ्रॉम स्विस ब्यूटी, तो काफी सारे प्रोडक्ट स्विस ब्यूटी के हो गए हैं आज. ये है ग्लो प्रेप सेट स्प्रे, इसको शेक कर लेते हैं. पार्टिकल्स है एंड 50 ग्राम का है, काफी टाइम तक चल जाएगा एंड इसकी प्राइस रेंज भी आई थिंक 500. सो आज काफी अच्छा ग्लोई बेस बन गया हमारा, काफी सारे फ्रेंड्स ग्लो वाले. सो या दिस इज द फाइनल लुक. सो आई थिंक काफी सारे प्रोडक्ट्स काफी अच्छे से टर्न आउट हुए हैं एंड अगर आपको कुछ पसंद आए तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, प्लीज चेक आउट. एंड अगर आपको ये लुक अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का ये लुक कैसा लगा. तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन.